हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और किचन की मेरी हालत देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद इस तरीके से मेरा किचन मेशी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चकला बेलन परात वगैरह भी मैंने पानी में फूलने के लिए डाल दिया था, उसके बाद फिर मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो कि जो सिंक है ये भी पूरा फूल है, दोनों सिंक, लगभग बहुत सारे बर्तन हैं और किचन के ऑलमोस्ट बर्तन ना निकल चुके हैं, क्योंकि रात के बर्तन सुबह के बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं इसकी क्लीनिंग आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किचन की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ, वो भी सुबह सुबह, और ये कितने कम टाइम में मैं बहुत ही जल्दी अपने काम को निपटा देती हूँ। बहुत ही मैशी किचन है ये, मैं एक लुक आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि बिखरा हुआ किचन को हम कैसे फटाफट ठीक कर सकते हैं। तो बस अभी किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले काउंटर टॉप पे जो चीज़ें थी वहाँ से मैं हटा रही हूँ, उसके जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो ये कुकिंग का पार्ट है कि किचन हमारा मैशी हो जाना, इधर उधर चीज़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ बास्केट के जितने भी बर्तन थे ये सब मैं यहाँ पर स्टैंड में लगा दे रही हूँ, और जो बड़े बड़े वाले बर्तन हैं नीचे एक बास्केट में स्टील वाला रखती हूँ, उसमें कुछ मैं बर्तन जो उसमें के हैं वो रख दूँगी। तो बस इधर का तो सबसे पहले मैंने खाली कर दिया और सूखे कपड़े की हेल्प से इसको सबसे पहले एक साइड का किचन में साफ़ कर दी। उसके बाद मॉर्निंग टाइम में जो मैं सब्ज़ी बनाई हूँ उसको, उस कढ़ाई को मैं खाली कर ले रही हूँ, और एक छोटे से बाउल में, मतलब अगर ज़्यादा सब्ज़ी होती है तो बड़ा बाउल रख लेती हूँ, कम सब्ज़ी होती है तो छोटा सा बाउल रख लेती हूँ, उसमें मैंने निकाल लिया है और कढ़ाई को सिंक में रख दिया है पानी डालने के लिए, ताकि फूल जाएगा तो बहुत ही ईजिली वॉश हो जाएगा। और साथ ही साथ इधर के जो मुझे एक्स्ट्रा बर्तन लग रहे थे जो मुझे वॉश करने हैं, वो सब मैं सिंक में डालते जा रही थी। और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा खाना भी है, जैसे सब्ज़ी है सुबह की, दही जमाई थी रात में वो भी रखा हुआ है। तो देखिए धीरे धीरे करते करते मेरा काउंटर टॉप कितना अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया, बट अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो बस मैंने मैशी चीज़ों को हटाया है, मतलब इतना मैशी जो दिख रहा था सामान को बस हटाया। तो ये दही रात को जमाई थी, देखिए कि जमी है कि नहीं, क्योंकि कई बार ना सूंघने से भी पता चल जाता है, उसमें खुशबू आती है दही की, तो बस वो जम गई थी तो मैंने फ्रिज में डाल दिया है। उसके बाद कपड़ा भिगो के और मैं काउंटर टॉप को क्लीन करने जा रही हूँ। कई बार मैं कोलिन डाल के साफ कर लिया करती हूँ 2-3 दिन पे, लेकिन डेली कोलिन नहीं डालती हूँ मैं, जस्ट ऐसे ही मैं कपड़े गीला करके और साफ़ कर लिया करती हूँ, इससे भी हमारा किचन काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है। तो उसके बाद मैं गैस स्टोव को भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और इसका जो स्टैंड है ऊपर लोहे वाला, इसको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। अगर ज़्यादा कुछ, जैसे दाल बनाते हैं तो दाल गिर जाता है, या फिर ज़्यादा गंदा होता है ना, जैसे दूध हम उबालते हैं तो कई बार गिर जाता है, तो जब उस तरीके से गंदा होता है तो मैं इसको भी सिंक में रख देती हूँ और मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ स्क्रबर की हेल्प से, बट उतना ज़्यादा था नहीं तो बस कपड़े की हेल्प से ही साफ़ कर लूँगी, ये भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बस काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा, और किचन मेरा बहुत बड़ा नहीं है, बट जितना भी बड़ा है ना, एकदम छोटा भी नहीं बोल सकती हूँ, मीडियम साइज़ मेरा किचन है। तो बस बर्तन भी अभी वॉश करने हैं सारे, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे गैस जला के और मिल्क गर्म होने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि स्पर्श सोगे उठने वाला है और उसको मिल्क की ज़रूरत है सबसे पहले। और ये ना पतीले में दही था, तो दही पतीला भी वॉश कर लूँगी ताकि खाली हो जाए, और इस दही को मैंने रख दिया है छोटे से बाउल में और इसको मैं ढक के रख दी हूँ। एंड उसके बाद फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना एक्स्ट्रा जमा हो जाती है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि नहीं जगह जगह पर रखना, लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें रख देते हैं बिना मतलब के, तो उसको भी मैंने ठीक कर लिया। और उसके बाद फिर परात में मैंने फिर से पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से वॉश हो सके, और मैं चकला बेलन दोनों सबसे पहले वॉश करूँगी और वॉश करके इसको हटा लूँगी, और इसको स्क्रबर की हेल्प से ही, जो हम बर्तन डेली यूज़ में जिस स्क्रबर से धोती हूँ उसी से मैं वॉश करती हूँ। तो ये हो गया चकला बेलन वॉश, और ये मैं ना दोनों टाइम नहीं धोती हूँ, शाम के टाइम में रोटी बनाऊँगी तो सुबह के टाइम एक बार बना के तभी मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि दो बार तो आराम से हम बना सकते हैं, मतलब मेरी ऐसी हैबिट है, अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर मैं दोनों टाइम। तो ये परात भी अच्छे से वॉश हो गया, और एक बड़ा सा परात ना मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक लेना है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं बर्तन को भी धोते जाऊँगी, बट अभी मिल्क रखी हूँ गर्म होने के लिए तो थोड़ा मैं अभी वॉश कर रही हूँ, बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि स्पर्श होके उठेगा तो उसको कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क चाहिए। तो बस उसी लिए मैं अभी बस थोड़े से ही बर्तन करके और मैं यहाँ से हट जाऊँगी, क्योंकि बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ता है जब भी इस तरीके से किचन में, मतलब 5 मिनट के लिए ही उसके पास मुझे जाना पड़ता है, फिर भी मैं बहुत ही जल्दी जल्दी अपने किचन को सुबह सुबह समेट लेती हूँ।
तो ये कढ़ाई भी मैं वॉश कर ले रही हूँ स्क्रबर की हेल्प से। और कई बार मुझे स्टील वाला स्क्रबर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे इस कढ़ाई में काफ़ी गंदा दिख रहा था, छूट नहीं रहा था, कई बार सब्ज़ी नीचे से पकड़ लेता है ना, तो स्टील वाले स्क्रबर की ज़रूरत पड़ जाती है। आप लोग कैसे धोते हैं आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया थोड़ा सा मिल जाए। बट मैं तो स्टील वाले स्क्रबर को कभी कभी यूज़ कर लिया करती हूँ, ज़्यादा मैं हर बर्तन के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं इसको ना धो दूँगी स्क्रबर को, स्टील वाले स्क्रबर को, और मैं रख दूँगी। और यहाँ पे ये नॉन स्टिकी कढ़ाई है, तो इसके लिए स्टील वाले की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसको मैं ना नॉर्मल जो ग्रीन वाला स्क्रबर होता है उसकी हेल्प से मैं इसको वॉश कर लूँगी। और पीछे का जो पोर्शन है इसको मैं स्टील से कर सकती हूँ, बट अंदर वाला तो मैं नहीं कर सकती। तो इस कढ़ाई को भी मैं अभी धो के और रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से किचन मेरा साफ़ सुथरा भी हो जाएगा फटाफट। तो हाफ़ बर्तन तो मेरे वॉश हो चुके हैं, एक सिंक लगभग खाली हो चुका है और दूसरे सिंक का बर्तन अभी मुझे धोना है। तो अभी मैं ये कपड़ा बाद में धूप में डालूंगी, जो भी बर्तन धोई हूँ उसका पानी ड्रेन आउट हो चुका है, तो मैं उसको लगा दे रही हूँ जहाँ पर मुझे लगाना है। और ये बास्केट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्क भी अभी गर्म हो ही रहा है, और फटाफट मैं अपना काम निपटा रही हूँ। तो नीचे ना जो भी सब्जी उब्जी की पॉलीथीन आती है या फिर हम कुछ खरीद के लेके आते हैं उसकी पॉलीथीन होती है, तो उसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और उसके बाद ये डस्टबिन में डालना है मुझे, ये जो कचरा है, ये साग का एक्स्ट्रा जो चीज़ें निकलती है ना वो था। देन ना अभी गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, तो मैं स्टील वाले बोतल भी निकाल दी हूँ, तो मैं बोतल को भी वॉश करके और रख दी हूँ। देन अभी हॉल में आ गई हूँ मैं, और हॉल में आके स्पॉट शो के उठ चुका है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद उसको मैं मिल्क दूँगी। एंड ये आप देख सकते हैं ये जो बैग है ना, ये इसमें के बैग के कपड़े वॉश करने अभी, तो इसमें का भी मैं कपड़ा निकाल के लेके जा रही हूँ, मशीन वगैरह में डालना है, कुछ कपड़े हाथ से धोऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है, सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं और किचन भी काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो आपको कैसा लगा? और ये बस मैं 30 मिनट में मैं अपने किचन की क्लीनिंग करी हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप मन में ठान लेना कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम में सारे काम निपटा लेने हैं, किचन को क्लीन कर लेना है, तो आराम से आपका हो जाएगा। तो 30 मिनट मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन ये है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पहले आपको मैंने दिखाया था कि मेरा किचन कितना मैशी पड़ा हुआ है ना, पूरा काउंटर टॉप नीचे सब कुछ एकदम मैशी पड़ा हुआ था। और मैं कुछ टाइम में ना किचन का मेकओवर करने वाली हूँ, तो जल्दी आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। एक दूर से एक मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा गंदा था, एंड अभी कितना अच्छा से क्लीन हो चुका है, चमचमा रहा है मेरा किचन, और ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं लगा। तो इस तरीके से रेगुलर मेरा यही काम होता है किचन में। कई बार अगर टाइम इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा या कम टाइम लगता है, जैसे 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 बिखरा हुआ किचन रहता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।